नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि हिंदुस्तान के अंदर जो है आजकल मुसलमानों के खिलाफ जो है बहुत बड़ी मुहिम चालू है, नागरिकता को लेके, CAA को लेके, ये बहुत सारी जितना भी मतलब जो आज तक चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, चाहे वो कश्मीर का 370 हो, चाहे वो मतलब हर जगह पे मुसलमान जो है टारगेट किए जाते हैं, हर चीज़ के खिलाफ़ जो है यानी मुसलमानों को इतना दबा दो ताकि ये कभी बोल नहीं सके। ये चाहे क्षेत्र के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, चाहे वो दंगाइयों के बारे में हो। जैसे कि यूपी की पुलिस को जानते हो कि यूपी की पुलिस ने जितना नुकसान पब्लिक का करी है उतना लोगों ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो सरकार है वो आम जनता को पकड़ के जेल के अंदर उनसे जो है नुकसान की वो भरपाई कर रही है, ना कि कोई पुलिस वालों से। साफ साफ वीडियो के अंदर ये आया है। इसी चीज़ को लेके आज जैसे कि मुसलमानों से ये कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि अपना सबूत दीजिए कि आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, तरह तरह के नारा लगवाए जाते हैं, तरह तरह के एक उनको जो है पाठ पढ़ाया जाता है कि ऐसा बोलो तो हम मानेंगे, ऐसा बोलो तो हम मानेंगे। बहरहाल मुसलमान ने आज चाहे मिसाइल से लेके चाहे कॉफ़ी पीने तक, जो कॉफ़ी आप पीते हो ये इतिहास गवाह है कि मुसलमान ने हिंदुस्तान में लाया और हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों ने अपना लहू बहुत ज़्यादा बहाया है और अपनी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा दी हैं। चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ अपनी तरीके से दी है। आइए हम जो हमारे कन्हैया कुमार हैं वो कुछ कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में और एक इतिहास बता रहे हैं, आप जरा सुनिए और खुद फैसला करिए कि हिंदुस्तान को हमको सबूत देना है कि नहीं देना है, देना पड़ेगा। बल ये ऐसा लग रहा है कि क्रांति एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों के खिलाफ थी और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा गया, अब ऐसा लग रहा है कि ये सरकार के खिलाफ है और कहीं ना कहीं ये क्रांति का रूप लेने के लिए तैयार है क्योंकि इसमें हर जाति के लोग शामिल है। आइए कन्हैया कुमार को सुनिए कि क्या कह रहे हैं। मोहम्मद रफी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे तब उनकी मौत हुई थी, और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है, वो बजता हिंदुओं मंदिर के मंदिर में है। जय हिंद का जो नारा है, आठवा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद, जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आजादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूंगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज।